अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन शब्द, हम मौजूद हैं ईमान साइंस एकेडमी जीनिया कैंपस में, जहां पे आज तलबा और तालबात की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि अपने तालीमी मैदान में जिन्होंने कारकर्दगी की है उनके लिए खुसूसी तौर पर अवार्ड्स का एहतमाम किया गया है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर तालीम दोस्त शख्सियात की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है जो इन बच्चों को अपने दस्ते शफकत से अवार्ड्स भी देगी और इनकी दुआएं भी देगी ताकि वो मुस्तकबिल में अपना बेहतर जो है वो इनपुट दे सकें और तालीमी मैदान के साथ साथ अपनी आने वाली जिंदगी में भी बेहतर जो है वो कारकर्दगी करें। यहाँ पे आए हुए मेहमानों से भी बातचीत करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे आए हुए जो तलबा और तालबात से भी बातचीत करेंगे कि उनको आज इस तकरीब में आगे कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आपको इस तकरीब में आके कैसा लगा? सर इस तकरीब में आके मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमारे इलाके में जो अच्छे और स्टैंडर्ड तलीमी इदारे थे वो बहुत कम है, जो मियारी तलीमी इदारे थे उनकी बहुत कमी थी। मैं इस बात से खुश हुआ हूँ इस तलीमी इदारे में PST और जो हाई क्वालिफाइड स्टाफ है वो काम कर रहा है और वो इस इलाके को और यहाँ के लोगों को सर्व कर रहे हैं। पढ़ेगी बेटी तभी मुआशरा जो है वो आगे तरक्की करेगा। इस सम्मान से जो जो आज की ये अवार्ड फंक्शन है जो इनकाद किया जा रहा है, इस पे मिस मारिया बतूल मौजूद हैं इस वक्त, जो कि प्रोफेसर हफीज जंजुआ साहब की साहबजादी हैं। प्रोफेसर हफीज जंजुआ साहब जिला कसूर के मायानाज जो उसाजा में उनका शुमार होता है, जो पिछले दिनों रहलत फरमा गए थे, उनके एजाज में आज ईमान साइंस एकेडमी की जानिब से खसूसी तौर पर जो अवार्ड सर्मनी की जा रही है। मैम सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपको इस अवार्ड सर्मनी में आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मुझे पहले दिन मैसेज आया था कि मतलब अब्बू के नाम पे ये मतलब अवार्ड दिया जा रहा है, बहुत अच्छा लगा था कि किसी ने उनको मतलब इस तरह से अच्छे तरीके से याद रखा है। चल पास में नजरिया, मैं बचपन से जो है अपने अब्बू से यही सुनती आ रही हूँ कि बेटे अगर ना भी पढ़े तो उनका गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर बेटियाँ ना पढ़ें तो कल को कोई ऐसे हालात आ जाते हैं उन पर या इस तरह का कुछ आ जाता है कि उनको माशरे में अच्छे मुकाम हासिल करने के लिए या तलीम हासिल करना लड़कियों का ज़्यादा जरूरी है। तो मेरे अब मुझे भी सबको भी वैसे कहते थे क्योंकि सभी को अपने बच्चों की तरह समझते थे, तो सबको ही वो ये कहते थे जो भी उनके घर मिलने आता था या जिसके पास हो जाते थे कि अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा तलीम दिलवाएं आप लोग। और मेरा भी उनके मतलब यही था कि अपने बेटों से ज़्यादा मुझे कहते रहते थे हर वक्त कि आपका पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, आपका पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, और जहाँ मैं कहती थी मतलब उस फील्ड में वो मुझे भेजते थे। तो मेरी सब वालदैन से ये दरख्वास्त है कि अपनी बेटियों पर इत्माद करें और उनको अच्छी फील्ड्स में जाने की परमिशन दें। तालीम के लिए हमेशा कोशा और माहिर तालीम मोहम्मद अफजल शहीन की याद में भी आज यहाँ पे जो है वो इस तकरीब को सजाया गया है और यहाँ पे खुसूसी तौर पर मोहम्मद अफजल शहीन अवार्ड दिया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त अफजल शहीन साहब के भाई रमजान शहीन साहब मौजूद है। ईमान साइंस अकेडमी की इस काविश को आप किस नजर से देखते हैं? माशाल्लाह जी बहुत जबरदस्त काविश है ये, जो है ना चूनिया के अंदर एक नई रवायत जो है ना वो डाली है कि अपने लेजेंड्स हजरात को जो है ना वो याद किया जा रहा है और इस किस्म के अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए और उनके लिए भी जो है ना बख्शिश का बाइस बनेगी इंशाल्लाह जी। तो आप सर क्या कहना चाहते हैं, बच्चियों की तालीम कितनी जरूरी है सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए? बच्चियों की तालीम जो है इंतहाई जरूरी है, क्योंकि एक लड़का पढ़ता है मेल पढ़ता है तो उसका फायदा सिर्फ एक मर्द को होता है, अगर एक लड़की पढ़ती है उससे पूरी चूंकि नस्ल चलनी होती है, तो लिहाजा वो नस्लों की जो है ना तामीर के लिए जो है लड़की को तालीम इंतहाई जरूरी चीज है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर ईमान साइंस अकेडमी सर मुबशर अजीज। आइडिया कहाँ से आपको आया? सर ये हमारे हीरो हैं, लास्ट टाइम प्रोफेसर फी जंजवा साहब जो थे हमारे पास तशरीफ लाए थे, तो बड़ी खुशी हुई थी जब वो यहाँ पे आए, हमारे बड़े हैं वो शहर के, उनकी स्पीच भी हमारे पास अभी मौजूद है, वो हमने अभी रिकॉर्डिंग पे चलाने दिए। फिर अफजल शहीन साहब हमारे लेजेंड हैं, हमारे शहर में उनका बड़ा नाम है, उनका उनके हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, रमज़ान शहीन साहब वो हमारा सरमाया थे, रियाज साहब भी ऐसे हैं, रियाज साहब के भी हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे शहर में और दीगर इलाकों में मौजूद हैं, ये सब लोग हमारे शहर का साथ हैं, इनको हम भूल कैसे सकते हैं? सवाल ये, इनको हम कभी भी नहीं भूलने देंगे इंशाल्लाह, ना हम खुद भूलेंगे ना इनको भूलने देंगे, ये हमारे शहर का साथ है, हमारे सर का फखर है और इंशाल्लाह हम इन्हीं के नाम के बेस पे स्कॉलरशिप का भी आगाज़ कर रहे हैं। इस साल हम प्राइज दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं और इसी साल से ही हम इनके नाम पे स्कॉलरशिप भी 5-5 स्टूडेंट्स को पर मंथ 3000 स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। बच्चियों की तालीम के हवाले से ईमान साइंस एकेडमी के क्या प्रोजेक्ट्स हैं? सर बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, अभी वुमेन वर्ल्ड वुमेन डे गुजरा है, तो मैं समझता हूँ कि ये वुमेन के बगैर या औरतों के बगैर बच्चों के बगैर हम लोग तरक्की कर ही नहीं सकते, ये हमारे माथे का झूमर है, ये हमारा जेवर है, इनके बगैर हम आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। इस वक्त हमारे पास 1246 जो हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं हमारी ईमान साइंस एकेडमी में, और हम आज की सर्मनी पे इन बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात हम इस दफ़ा नकद कैश प्राइज दे रहे हैं ताकि बच्चों के अंदर ना हौसला अफजाई जो है वो मजीद बच्चों को हौसला मिले कि हमने अच्छा पढ़ना है। ये सारे की सारी डेडिकेशन है वो इन टीचर्स के नाम और मेरी वालदा के नाम, मेरी वालदा भी यहाँ पर मौजूद है, तो हमारी सर्मनी के आज के वो सेंट्रल पॉइंट,
जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सर मुबशर अजीज साहब मौजूद थे। नाजरीन इसी के साथ के अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, ये माएँ बहनें बेटियां कल इस मुआशरे को बेहतर अंदाज से जो आगे बढ़ाने में ना सिर्फ मददगार साबित होगी बल्कि इसके साथ साथ इस सोसाइटी को तरक्की याफ्ता नस्ल बनाने में भी बच्चियों का खुसूसी तौर पर किरदार होगा। मैं ईमान साइंस अकेडमी की पूरी इंतजामिया का जो शुक्रिया भी अदा करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने हमारे उन उसातज़ा को याद रखा कि जिन्होंने ना सिर्फ तालीम की आबियारी की बल्कि एक नस्ल को पढ़ाया ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।